हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका थ्योरोलाइट सर्वे। ठीक है, थ्योरोलाइट सर्वे में हम जो है थ्योरोलाइट के बारे में पढ़ेंगे या फिर इसके कितने टाइप्स होते हैं वो भी हम इस वीडियो में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो देखिए थ्योरोलाइट क्या होता है। थ्योरोलाइट सर्वे वर्क में प्रयोग होने वाला एक बहुत ही परिशुद्ध एवं उपयोगी उपकरण है। ठीक है, ये जो है आपका सर्वे में यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही उपयोगी यानी बहुत ज़्यादा पर्पजेज के लिए यूज़ किया जाता है। आगे थ्योरोलाइट में लेवल मशीन और कंपास दोनों की प्रॉपर्टीज का समावेश होता है। अब देखिए थ्योरोलाइट में आपका जो है क्या है, इसमें लेबलिंग कर सकते हैं, इससे हम एंगल मेजरमेंट यानी एंगुलर मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट दोनों मेजरमेंट हम थ्योरोलाइट के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए थ्योरोलाइट से पहले क्या करते थे हम, लेवल के लिए हम क्या करते थे, लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट यानी जो ऑटो लेवल होता है या फिर डंबल लेवल होता है वो यूज़ करते थे। लेकिन और आपका जैसे एंगल मेजरमेंट करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते थे हम, कंपास यूज़ करते थे। लेकिन थ्योरोलाइट के आने के बाद में क्या है, हम दोनों काम इसी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे का बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से यानी बहुत सर्वे के बहुत ज़्यादा जो है वर्क कर रहा है ये, तो इसके हम क्या कहते हैं, इसे हमने नाम दे दिया है एक और, वो क्या है आपका यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी ये आपका यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट भी कहलाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर बात करें आगे हम यानी कि क्या क्या इसके यूजेज़ हैं। ठीक है, तो क्या यूज़ हो सकते हैं इसके, टू मेज़र हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है, जैसे किसी पॉइंट से आपको, जैसे बहुत ये पॉइंट है, ठीक है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट लगा रखा हुआ है आपका ये। ठीक, तो यहाँ से अगर आपको किसी दूसरे पॉइंट यानी यहाँ का अगर आपको हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र करना है तो आप क्या कर सकते हैं, थ्योरोलाइट की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा प्रोसीजर होता है वो आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, वैसे आपका क्या होता है, वो आपका वर्टिकल एंगल भी मेज़र कर सकते हैं आप इसकी हेल्प से, या फिर टू मेज़र हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, सपोज कोई दो पॉइंट है, मान लीजिए एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट आपका ये है, ए और बी आपके क्या है, ये दो पॉइंट है, तो अगर आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करनी है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, थ्योरोलाइट की हेल्प से कम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा टू एंग मेज़र डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल अगर आपको मेज़र करना है तो उसमें भी आप थ्योरोलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए क्या होता है डिफ्लेक्शन एंगल, क्या होता है, या सपोज़ आपका क्या है, ये कोई आपने कर्व बनाया। ठीक है, ये क्या आपका एक कर्व है, इस कर्व पर आपने क्या किया, एक टेंजेंट डाल दी इस तरह से। ठीक है, वहीं आपने इधर से भी क्या कर दिया, आपने एक टेंजेंट और ये ड्रा कर दी। तो जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो वो जो एंगल बनता है आपका ये क्या कहलाता है आपका, ये डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। ये एंगल कहलाता है, टेंजेंट आपस में एक दूसरे को कट करती हैं तो वहाँ पर जो एंगल बनता है वो एंगल क्या कहलाता है आपका, डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो इसका भी मेजरमेंट आप थ्योरोलाइट की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी और भी यूजेज हैं आपके, देखिए जैसे आपका अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये होता है आपका टू फाइंड दी हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की हाइट पता करनी है तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप थ्योरोलाइट की हेल्प से जो है हाइट जो है आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक, कितनी इसकी हाइट है ये भी आप आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, इसका प्रोसीजर क्या होता है वो भी मैं आपको सारा क्लियर कर दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका एक इसका यूज वो भी होता है, वो है आपका टू मेज़र वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, देखिए यहाँ पे क्या था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ऐसा कर सकते हैं, टू मेज़र हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और यहाँ पे क्या आपका टू मेज़र वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो देखिए बहुत सारे पर्पजेज हैं इसके, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया है, यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट हमने इसे कह दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका टाइप्स ऑफ थ्योरोलाइट। ठीक है, टाइप्स ऑफ थ्योरोलाइट पढ़ेंगे यहाँ पे, तो पहला है आपका अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिंग ऑफ टेलीस्कोप। अब देखिए ट्रांजिटिंग ऑफ टेलीस्कोप का मतलब क्या है आपका, ट्रांजिटिंग का मतलब ये हुआ आपका कि आपका जो टेलीस्कोप है वो कितना घूम रहा है आपका। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, जैसे आपका सपोज ये कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपकी, ठीक है, तो इसके अलोंग आपका जो
जो टेलीस्कोप है ट्वेलाइट का वो कितना घूम रहा है, ठीक, वो उसके अकॉर्डिंग हमने इसे क्लासीफाई किया है। तो अगर ट्रांजिट ट्वेलाइट क्या होता है आपका, ट्रांजिट ट्वेलाइट वो ट्वेलाइट होता है जिसका टेलीस्कोप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग 360 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। अगर 360 डिग्री घूम रहा है आपका टेलीस्कोप ट्वेलाइट का तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी ट्रांजिट ट्वेलाइट, ठीक है। और देखिए अगर करंट टाइम में हम बात करें तो आपका ये वाली ट्वेलाइट ही मोस्टली यूज़ की जाती है, ठीक। इससे क्या होता है आपका, आप एक ही नई जगह खड़े होकर आपके आपको जो है कई सारे मेजरमेंट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ आपका नॉन ट्रांजिट सैटेलाइट, तो ये क्या होता है आपका, देखिए अगर टेलीस्कोप 360 डिग्री नहीं घूम रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलावा 360 डिग्री अगर नहीं घूम रहा है, ठीक, तो ये क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर बात करें तो होता है आपका अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ प्लेट। देखिए साइज ऑफ प्लेट के अकॉर्डिंग हम जो है थियोडोलाइट को क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन सी प्लेट होती है आपकी, ये एक स्केल प्लेट के साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या होता है एक स्केल प्लेट लगी होती है थियोडोलाइट में, ठीक, इस तरह से लगी होती है, इस पर क्या लगी होती हैं आपकी ग्रेजुएशन होती हैं, ठीक, 360 तक डिग्री तक ग्रेजुएशन होती हैं आपकी। तो देखिए इसका डायमीटर, अगर इसका डायमीटर क्या है 8 से 12 सेंटीमीटर है, ठीक, अगर इतना डायमीटर है तो क्या क्या हो जाती है, ये स्मॉल थियोडोलाइट कहलाती है, या फिर कह सकते हैं कि ये जो है स्मॉल वर्क के लिए यूज़ की जाती है, यानी छोटा सा अगर आपको सर्फेस पर कार्य करना होता है, कहीं सामान्य कार्य करना है तो वहाँ पे आप इस थियोडोलाइट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट होती है आपकी 12 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर व्यास की थियोडोलाइट, व्यास की प्लेट। देखिए इसी प्लेट का साइज़ अगर क्या कितना कर दें हम, इसका अगर हम कर दें 12 से 25 कर दें तो ये कहलाती है आपकी लॉन्ग थियोडोलाइट कहलाती है, और इसकी जो है एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी बहुत ही प्रिसाइज कार्य के लिए हैं, जहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है आपको, वहाँ पे आप जो है इस थियोडोलाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अच्छा अगर बात करें तो होता है आपका अकॉर्डिंग टू लिस्ट काउंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिस्ट काउंट। अब देखिए लिस्ट काउंट क्या होता है, देखिए लिस्ट काउंट वो होता है कि कोई भी पैमाना या फिर कोई भी स्केल आपको मिनिमम कितना मीटर हो सकती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है सपोज आपका सर्वे का, जैसे आपका सपोज थियोडोलाइट है, ये मिनिमम, ठीक है, यानी जो मिनिमम एंगल मेजर कर सकती है या फिर मिनिमम जो कोई भी डिस्टेंस है एंगल मेजर करती है तो वो क्या कहलाता है, उसका लिस्ट काउंट कहलाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। तो अगर हम बात करें तो एक होता है इसमें होता है बर्नियर थियोडोलाइट, देखिए इसका लिस्ट काउंट कितना होता है आपका 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में आपका थियोडोलाइट इसका लिस्ट काउंट होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट, तो देखिए ये बहुत ही हाई एक्यूरेसी के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपको बहुत ही प्रिसाइज वर्क करना है तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है आपका 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में होता है, ठीक है, ये बहुत ही हाई प्रिसाइज होती है। नेक्स्ट होता है आपका अकॉर्डिंग टू फोकसिंग ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये आपके दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल फोकसिंग थियोडोलाइट और होती है आपकी एक्सटर्नल फोकसिंग थियोडोलाइट। अब देखिए इंटरनल फोकसिंग थियोडोलाइट वो थियोडोलाइट होती है जिसका क्या, जब हम आपका जो टेलीस्कोप है उसका जब फोकस करते हैं तो वो इंटरनली जो है उसमें फोकसिंग होती रहती है, यानी उसका जो साइज़ है ना ही कम होता है और ना ही बढ़ता है, सब कुछ अंदर ही सारी प्रक्रिया अंदर ही होती रहती है। वहीं अगर हम बात करें एक्सटर्नल फोकसिंग थियोडोलाइट की, तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें जब हम फोकस करते हैं टेलीस्कोप को तो क्या होता है उसका साइज़ बढ़ता रहता है या फिर कम होता रहता है, ठीक है। तो ये सारा क्लासिफिकेशन था आपका थियोडोलाइट का, या फिर इसमें हमने पढ़ा कि थियोडोलाइट क्या होती है, क्या यूजेस होते हैं उसके, ये सारा हमने पढ़ लिया, ठीक। आई होप आप लोगों के क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट, सॉरी पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट, ठीक।